द मैजिकल जिंदगी। मैं श्रुति अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, रोज गणेश जी का पूजन करती, माला फेरती। गणेश जी राजी हो गए, बोले, बुढ़िया कुछ मांग। बुढ़िया बोली, महाराज मुझे तो मांगना ही नहीं आता, क्या मांगू। विनायक जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले या तेरा और कोई हो उससे पूछ ले। बुढ़िया अपनी बहू से बोली, गणेश जी से क्या मांगू। बहू बोली, मेरे लिए पुत्र मांग लो, बुढ़ापे में पोते का मुख देख लो। बेटे से पूछा तो बोला, धन मांग ले, धन हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। पड़ोसन से पूछा तो बोली, बेटे बहू किसके हैं, तू तो अपने दीदे घोड़े मांग ले, नहीं तो बुढ़ापे में दुख पाएगी, खाट में पड़ी सड़ेगी। अब बुढ़िया चक्कर में पड़ गई, सोचती सोचती सो गई। सुबह उठी, नहा धोकर पूजन किया। गणेश जी आए, बोले, क्यों बुढ़िया पूछ लिया। बोली, हाँ महाराज पूछ लिया। आप मुझे ये वरदान दो कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देखूं। विनायक जी बोले, बुढ़िया तू तो भोली दिखती थी और मांगने के समय सब कुछ मांग लिया, अच्छा ऐसा ही होगा, कहकर चले गए। धीरे धीरे सारी बातें होने लगी, घर में धन दौलत भी खूब हो गई, बहू के लड़का भी हो गया, बुढ़िया को आंखें भी मिल गई, आनंद ही आनंद हो गया। हे विनायक जी महाराज, बुढ़िया की तरह सब पर मेहर करना। कहानी के सुनते को, हुकारा देते को, लिखने पढ़ने वाले को, सबको भला करना। जय गणेश जी महाराज।